प्लेजर की स्टेट में है तो हम कहते हैं कि अच्छा हो रहा है, हमने अच्छा किया, गॉड ने हमारे साथ अच्छा किया। जब हम पेन की स्टेट में कई बार हमारे बिलीव्स ऐसे हो जाते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे हाँ। तो इन चीज ये जो सर्कल है इससे अलग कैसे हो रहा है? इस बात को समझो कि जब हमारा टाइम अच्छा होता है हाँ तब तो हम मस्त हो जाते हैं, और जब टाइम बुरा होता है तब हम बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं उदास और दुखी और ये वो पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। और जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तब हम नहीं बोलते कि मेरे साथ में इतना अच्छा क्यों हो रहा है, कोई नहीं बोलता। सोचा है कभी कि जो आपको जिंदगी में सुख मिले हैं उसके बारे में कोई बोलता है कि मुझे इतने सुख क्यों मिले हैं जिंदगी, मैं इतनी सुखी क्यों हो रही हूँ, मुझे इतना अच्छा पति क्यों मिला है, कि मुझे इतनी अच्छी बॉडी क्यों मिली है, ये जो आम है इसका टेस्ट इतना अच्छा क्यों है, कोई नहीं बोलता कुछ नहीं। उस समय तो पागल में पड़े होते हैं, होश ही नहीं होता। होश कब आता है? जब कोई दुख आता है तब आदमी एकदम से जागता है, अरे ये क्या हो गया है ना। तो अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसको अगर ध्यान से आप देखोगे ये हमारी बेसिक टेंडेंसी है ह्यूमन की। सपना कब टूटता है? आप सपने में हो, सपना चले जा रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, क्या सपना है, चल रहा है, इटर्निटी में चल रहा है, सदियां निकल गई, 100 साल हो गए सपने में, 200 साल हो गए, चले जा रहा है, सब बढ़िया उड़ रहा हो, एकदम से भूत देख लिया, सपना टूट गया, जाग जाओगे। कभी भी नोट करना इस चीज को, सपने से आप तब जागते हो जब कुछ बुरा होता है आपके साथ, अच्छे में नहीं जागते। तो अब गड़बड़ क्या है यहां पर देखो, जब हमारा टाइम अच्छा होता है तब हम बन जाते हैं भोगी, सुख भोगने में लग जाते हैं, टाइम अच्छा चल रहा है, खाओ पियो मस्त रहो, पार्टी करो, ये करो वो करो, अरे मजे मारो जिंदगी के, सब कुछ बढ़िया है ना। मतलब हम ऐसे फंटूश बन जाते हैं जैसे कि हमारे साथ तो कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, हमें ये विश्वास हो जाता है कि ये टाइम हमेशा के लिए रहने वाला है। तब हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं फालतू की चीज़ों में, उस सुख को भोगने में, मज़े मारने में, कि ये सब बातें जो मैं कर रहा हूँ इस तरफ हम सोचते ही नहीं हैं। अभी सोच रहे हो, यहाँ पे बैठे हो, बाहर निकल करके सोचने की क्या ज़रूरत है अगर लाइफ बढ़िया चल रही है तो, सिंपल कॉमन सेंस। और अगर लाइफ बुरी है तो क्या उसको मेरी बातें समझ आएंगी? तो जो सुख में है वो समझना नहीं चाहता इन सब बातों को, इसके बारे में सोचना नहीं चाहता, क्या जरूरत है सोचने की, भगवान के पास में जाओ, मंदिर में बैठो, हाथ जोड़ करके बैठे रहो, हाँ भगवान सब अच्छा कर दो, सब ठीक कर दो, बस ये टाइम ऐसे ही चलता रहे, आपकी बहुत कृपा है मुझ पर, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, यही करते हैं ना। और जब दुख होता है तो सुख में हम समझना नहीं चाहते, दुख में हम समझ नहीं सकते। तो समझोगे कब? अगर आपकी बॉडी में अभी अनबियरेबल पेन हो रहा हो, आपको मेरी बातें समझ आएंगी क्या? आ ही नहीं सकती। आपके घर में अभी कुछ दिन पहले किसी की डेथ हुई हो, मेरी बातें समझ आएंगी क्या? आ ही नहीं सकती। बार बार याद आ रही होगी उस इंसान की, पापा की, मम्मी की, भाई की, बहन की, व्हाटएवर, तो सारा ध्यान वहां पर है। फिर जैसे ही वो याद चली जाएगी, वो दुख चला जाएगा, तो क्या होगा? सुख आ जाएगा। अब मजे मारो। हाँ, तो दोनों ही ट्रैप है, इसको देख पाना इज इंटेलिजेंस, कि पेन और प्लेजर में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कुत्ता अपनी पूंछ के पीछे भाग रहा है, गोल 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 घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, खुश हो रहा है, पकड़ नहीं सकता उस पूंछ को कभी भी, सुख को पकड़ नहीं सकता जब तक समझेगा नहीं खेल को। तो समझना कब है? सुख में। आई बात पकड़ में? लोग क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाओ 60 साल की उम्र में, ये कोई उम्र है? अभी तो मजे मारो। मजे मारो मतलब क्या? शादी करो, हनीमून पे जाओ, बच्चे पैदा करो, यही मजे मारो? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मजा? खाओ जानवरों की तरह, खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, इसको मजा बोलते हैं? ये मजा है, यही मजा सजा बनती है। आपने तो ऐसे नहीं की जिंदगी में, अगर आपने एक काम किया। हाँ, अरे जो अगर आप पी नहीं रहे तो आप जी क्यों रहे हो, है ना? कि अगर तू दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, उल्टे सीधे शौक नहीं है तो जी क्यों रहा है? देखो क्या सोच बन गई है, क्या हो गया है? कि जब वक्त है समझने का, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने का, इंटेलिजेंस को बोलते हैं हिंदी में विवेक,
माइंड को शार्प करने का, तब तो उस माइंड को हमने लगा दिया प्लेजर्स में, जिससे माइंड डल हो गया। प्लेजर्स में क्या होता है, माइंड डल हो जाता है। कभी नोट किया है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेडिटेशन बताऊं, कभी जो पीक ऑफ डिजायर है या पीक ऑफ फियर है, उस वक्त में अपनी हालत को नोट करना कि आपकी हालत क्या होती है, आपका ध्यान आपके वश में होता है या नहीं होता है। ऐसे ओवर पावर कर लेता है वो आपको, होश ही नहीं होता आदमी का। और हमेशा गलती करते हैं, करेगा ही करेगा ना, करेगा ही करेगा गलती, और क्या करेगा। आगे बढ़ते हैं। अरे समझदारी, मेरी जो बातें हैं समझ आ रही है, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा। इस पूरी मूवमेंट को देख पाना ही इंटेलिजेंस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक इंटेलिजेंस है बाहर की दुनिया की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक साइंस है बाहर की दुनिया की, ये भी साइंस है अंदर की दुनिया की। दोनों में फर्क क्या है? वहां हम अपने दिमाग को लगा रहे हैं, अपनी इंटेलिजेंस को लगा रहे हैं किसी चीज को समझने के लिए, कि पेपर क्या है, इस पे जो है ये किस चीज का लिखा हुआ है, इंक का लिखा हुआ है, किस तरह से दिखता है, अच्छा इस पर लाइट पड़ती है तो ये ब्लू दिखता है, ब्लू ब्लू क्यों दिखता है, वाइट वाइट क्यों दिखता है, ये सब साइंस के दायरे में आ गया। एक है हमारे अंदर की साइंस, मुझे सुख क्यों होता है, मुझे दुख क्यों होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सुख को तो पकड़ लूं और दुख को छोड़ दूं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको अंदर ले जाते हैं। अंदर मतलब वो वाला अंदर नहीं जो लोग समझते हैं मेडिटेशन में, कि आंख बंद करी और अंदर जा करके लाइट दिखी, ये हुआ वो हुआ, अजीब अजीब तरह के धमाके हो रहे हैं अंदर, वो सब नहीं। दैट इज नॉट रियल मेडिटेशन, वो फिर इल्यूजन्स में आप चले गए। जो भी चीज आई और गई, वो चाहे कैसा भी एक्सपीरियंस हो, कोई भी मेडिटेशन में आप गए, कोई एक्सपीरियंस हुआ चला गया, जो आया जिसकी वजह से आप खुश हो रहे हो, जब वो चला जाएगा उसी की वजह से आप दुखी हो जाओगे, देख रहे हो। तो आपका सुख ही आपके दुख का कारण है। आपको लाइट दिख गई उसकी वजह से आप बड़े खुश हो गए, आपका मकसद था मेडिटेशन में आंख बंद करी, किसी ने आ करके आपको बोल दिया कि मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर लाइट देखनी है, आप देखने लग गए, लगे रहे 6 महीने बाद आपको लाइट देखनी शुरू हो गई, यहाँ पर एक लाइट दिख गई, अब क्या होगा, आप खुश हो जाओगे। ऑब्वियसली देयर इज नथिंग एल्स, है ना। तो दैट इज जस्ट अ प्रोजेक्शन ऑफ द माइंड, है ना। सो आपको दिख गई, आप खुश हो गए, अब आपको 3 दिन बाद दिखनी बंद हो गई, अब क्या होगा, वो लाइट जो 3 दिन के लिए आपके सुख का कारण बनी, वो जिंदगी भर के लिए आपके दुख का कारण बन जाएगी। सिंपल, इस बात को समझ लेना इंटेलिजेंस है। जहां हमको ये समझ आ गया तो हम टेम्परेरी चीजों के साथ ऑटोमेटिकली अटैच नहीं होंगे। इसमें कहीं भी कोई बहुत स्पिरिचुअल या कोई मिस्टिकल बात नहीं है, कॉमन सेंस है। स्पिरिचुअलिटी इज कॉमन सेंस, कुछ दिख रहा है उसको एज इट इज देखना। जैसे कि हम कुछ भी चीज सीख रहे हैं तो हम किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं या फिर उस पर्सन के पास जाते हैं जिसको उस चीज का ज्यादा नॉलेज है। अब जैसे लास्ट टाइम आपने मिरेकल्स वाले सेमिनार में बोला कि मेरे बहुत सारे सेक्शन ऐसे थे जिस पे यकीन मत करो और यूट्यूब से हटा दिए गए, तो हमको जनरली उस व्यक्ति के पास से इंस्पिरेशन मिलती है, तो हम फिर किस बात पर यकीन करें और इस बेस पे? सिर्फ रियलिटी पे यकीन करो, जो भी कुछ मैं कह रहा हूँ या कोई भी कह रहा है आपके एक्सपीरियंस से रिलेट हो रहा है, जो आपकी रियलिटी है उससे रिलेट हो रहा है, कि आज जिस भी सिचुएशन में आप हो, जो भी मैंने कहा, हजारों बातें कह दी, उसमें से क्या बातें आज आप अपनी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो सेंसिबली, जो आपकी बुद्धि को भी समझ आ रही है। आपकी बुद्धि को समझ नहीं आ रही है, मैंने बोल दी, आपने उसको कुछ और ही मतलब निकाल लिया और करने लग गए, फंस जाओगे। आँख बंद करके किसी पे भी विश्वास मत करो, और इस बात को भी समझो कि हर लेवल के अकॉर्डिंग आदमी अलग अलग बातें करता है। जब मेरी रियलाइजेशन एक हद तक थी तब मैंने उस लेवल की बातें करी, और गहरी हुई तो अब मैं उस लेवल की बातें कर रहा हूँ, और हो सकता है कुछ टाइम बाद और गहरी हो जाएगी, तो ये बातें हट जाएंगी और बातें आ जाएंगी। तो आपको देखना है इसमें से आपको कौन सी बातें कहाँ पर समझ आ रही है, कहाँ पकड़ में आ रही है। हमारे पेरेंट्स आर आर वेल विशर्स, वो हमारे लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोच सकते, बट आप ये भी कहते हो हमारी गट फीलिंग जो होती है वो सही होती है हमारे लिए, बट समवेयर बैक ऑफ द माइंड हमें ये भी पता होता है कि हमारे पेरेंट्स उस लर्निंग फेज से जा चुके हैं जिससे हम अभी जा रहे हैं, तो हम क्या करें जो हमारी गट फीलिंग कह रही है या जो पेरेंट्स कह रहे हैं। पेरेंट्स आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे, हमेशा आपके अच्छे के लिए सोचेंगे। आपकी गट फीलिंग गलत भी हो सकती है, जैसे गट फीलिंग में आप ये भी कह सकते हो मेरी गट फील कह रही है कि आज तो मुझे गांजा लेना ही है, आज तो मैं 300 की स्पीड पर गाड़ी चलाऊं, मेरी गट फील कह रही है। तो यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो गट फील को कनेक्ट करो पहले सही से, तो आपको पता है कि ये मेरी गट फील है और ये सही है,
तो अगर आप सही सोच करके अपनी गट फील के बेस पे एक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में और आउटकम गलत भी आता है तब भी वो सही है, क्योंकि एटलीस्ट आपने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली, बजाय ये कि किसी और के हिसाब से, फिर वो और चाहे कोई भी हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे दुनिया हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, वो आपको बताता जा रहा है और आप आगे चलते चले जा रहे हो, तो आप एक कठपुतली बन जाओगे. सो डोंट बी अ पपेट इन योर लाइफ, बी अ ह्यूमन बीइंग हु हैज गॉट द करेज टू एक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द आउटकम इज. तब आप लाइफ में एक ऐसा दिन आ सकता है जब पूरी तरह से अपनी जो लाइफ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने हाथ में ले सकते हो. अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्लेम गेम खेलते रहोगे मरते दम तक, क्या आज मेरी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे बाप की वजह से हो रहा है, मेरी माँ की वजह से हो रहा है, जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, चाहे सही हो रहा है चाहे गलत हो रहा है.